सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज लेकर के आया हूँ। और दोस्तों, ये गुड न्यूज उन सभी किसानों के लिए है जो किसान झारखंड के झारखंड राज्य फसल राहत योजना का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और अभी तक वो झारखंड राज्य फसल राहत योजना का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसका जो फॉर्म फिलअप करने का डेट था वो 1 अगस्त से लेकर के 15 अक्टूबर तक था, लेकिन दोस्तों ये आज हो रहा है 21 अक्टूबर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी किसान झारखंड फसल राहत योजना का फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं कर पाए थे, जैसा कि दोस्तों उनका कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उनका डॉक्यूमेंट नहीं होगा या फिर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम के चलते वो अभी तक सुखाड़ राहत योजना का फॉर्म फिलअप नहीं करवा पाए थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो डेट है वो फॉर्म फिलअप करने का 1 अगस्त से लेकर के और इसका फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 30 नवंबर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो लास्ट डेट था वो 15 अक्टूबर ही था, लेकिन फाइनली आज बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया गया है। और यहाँ तक कि मैं बता दूं कि मैं आज साइट पर विजिट किया था तो वहां पर साइट अभी अपडेट नहीं किया गया है। अगर आप साइट को विजिट करते हैं तो वहां पर 30 सितंबर ही बता रहा है, लेकिन इसका आवेदन करने का जो डेट है वो 30 नवंबर कर दिया गया है। चलिए आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। झारखंड राज्य फसल राहत योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पोर्टल पर विजिट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो कब तक है, सच में इसका फॉर्म फिलअप अभी हो रहा है या नहीं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और दिखाते हैं आप लोगों को झारखंड राज्य फसल राहत योजना का जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है वो कब तक है। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं अभी अपने मोबाइल फोन को हाथ में ले चुका हूँ और इस मोबाइल पे आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। झारखंड राज्य फसल राहत योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पोर्टल पर विजिट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि सच में इसका जो डेट है वो 30 नवंबर किया गया है या नहीं। और इसका मोबाइल का जो स्क्रीन है वो यहाँ पर इस साइड चलेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव प्रूफ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने मोबाइल फोन के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है JRFY। चलिए यहाँ पर JRFY सर्च करके बाद इंटर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं JRFY का झारखंड राज्य फसल राहत योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल का लिंक है उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। और आप इसे उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड राज्य फसल राहत योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है, इस पोर्टल पर आप डायरेक्टली आ जाएंगे। और उसे मैं इस पोर्टल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खरीफ फसल धान और मकई का जो डेट है वो यहाँ पर 30 सितंबर ही बताया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर खरीफ फसल धान मकई 30 सितंबर 2023। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर के हेडलाइन में यहाँ पर न्यूज चल रहा होगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बता रहा है न्यू महत्वपूर्ण सूचना, झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत धान एवं मक्का के फसल के लिए खरीफ 2023 में आवेदन 1 अगस्त से 30 नवंबर, यहाँ पर आप लोग देखते हैं 30 नवंबर ही बता रहा है, 30 नवंबर 2023 तक जारी है। पोर्टल से संबंधित तकनीकी सहायता के लिए इस ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ये जो अभी 30 सितंबर बता रहा है धान और मक्की के लिए खरीफ फसल के लिए, ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों फाइनली यहाँ पर न्यू में चल रहा है, जो ऊपर के हेडलाइन में चल रहा है यही है। आप चाहे तो यहाँ पर खरीफ फसल आवेदन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों फाइनली आप लोगों को मैं बता दिया हूँ कि इसका जो आवेदन करने का डेट है वो 1 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर तक बता दिया गया है। और यहाँ पर नीचे में जो धान और मक्की का खरीफ फसल का जो डेट बता रहा है वो 30 सितंबर बता रहा है, तो उसको जल्द ही अपडेट करके 30 नवंबर किया जाएगा। और ऊपर के कोरोना में तो आप देख ही रहे हैं 30 सितंबर यहाँ पर चल रहा है। जो भी किसान भाई जो झारखंड से है और उनका यहाँ सुखाड़ घोषित किया गया है, तो आप लोग अभी तक अपना सुखाड़ राहत योजना का फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो आप लोग जाइए जल्द से जल्द नियरेस्ट CSC सेंटर में जाकर के, परीक्षा केंद्र में जाकर के, और आप सुखाड़ राहत योजना का फॉर्म को फिलअप करवा सकते हैं। किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करवाना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेना है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखा हूँ। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाइए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इसके बाद आप अपना सुखाड़ राहत योजना का जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप करवाइए, क्योंकि दोस्तों ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलता है। तो बस इस वीडियो में यही बताने वाला था। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अभी के लिए बाय बाय।